जय श्री शंभू, मेरा नाम है नीलेश पंडित। जैसा कि आप सबको जानते हैं, आज का टॉपिक यह है कि हम लोग को विंटर में एक्सरसाइज कैसे करना चाहिए, और दूसरा टॉपिक यह है कि हमारा विंटर में डाइट क्या प्लान होना चाहिए। ठीक है, आप लोग मेरा बहुत सारा शॉर्ट्स और वीडियोस देख चुके हो विंटर में, ठीक है, जिसमें मैं खुले बदन में या सिर्फ एक टी शर्ट में वर्कआउट करता हूँ। ठीक है, सॉरी बार बार, ठीक है भूलने के लिए आपसे नहीं बोलूँगा। विंटर में ना अपने बॉडी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर एक बार भी आपने अगर गलती कर दी ना, आपको अगर ठंड लग गया ना, तो आपका फिर रिकवर होने में समय लग जाएगा। और जिन लोगों को 75 हार्ट चैलेंज करने का है ना, उन लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक दिन भी आपका तबीयत ख़राब हुआ ना, तो आपकी स्ट्रीक टूट जाती है। ठीक है, क्योंकि यू हैव टू गो 75 डेज कंटिन्यूसली। वीडियो को पूरी तरह से शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखो भाई, ठीक है। पिछले दो ब्लॉग वन और ब्लॉग टू जिन लोगों ने देखा है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को भी देखें, ठीक है, और जिन्होंने नहीं देखा है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आज के टॉपिक पे आते हैं। पहला कि विंटर में हम लोगों का बॉडी पे ध्यान कैसे देना है। आप लोग देखते हो कि मैं वर्कआउट जब भी करता हूँ तो शर्ट उतार देता हूँ बहुत बार, या एक टी शर्ट में मैं पूरे ठंड में वर्कआउट करता हूँ उतने कुहासा में, वो कैसे कर लेता हूँ। उसके पीछे पहला रीज़न ये है कि मैंने शुरुआत से अपने बॉडी को ठंड में अडॉप्ट कर दिया, ठीक है। और दूसरी रीज़न ये है कि मैं रात में सोने से पहले अपने बॉडी में गर्म सरसों तेल लगाता हूँ, वर्कआउट से पहले नहीं लगाने का है। आप रात में सोने से पहले 9 बजे 10 बजे अपने बॉडी में गर्म तेल का मालिश करवा लो या गर्म तेल लगा लो, ठीक है, उसके बाद आप उसको सो जाओ। अगले दिन जब आप उठोगे तो आपके स्किन पे इस ऑयल का एक लेयर बैठ जाएगा, जो आपको ठंड में प्रोटेक्शन देता है आपके बॉडी का टेम्परेचर को अप एंड डाउन होने से, ठीक है, आपके बॉडी को वार्म रखता है। तो ये पहला है जिसे अपने बॉडी को आप वार्म रख सकते हो, ठीक है। Be a hero, not a fighter. Mission UFC. और जिससे आपके ठंड नहीं लगेंगे। आप लोगों को एक बात बता दूं कि आज मेरा 86th डे है, ठीक है। 85 डेज के शॉर्ट्स जो हैं ऑलरेडी डाल चुके हैं, ठीक है, और मैं प्लान कर रहा हूँ 150 डेज तक जाने का। अगर मैं जाऊँगा तो मैं आपको 90th डे के दिन यानी 15th ऑफ जनवरी को, जिस दिन मैं अपलोड हो जाएगा, उस दिन आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और जिन लोगों को वीडियो पसंद आती है वो लोग प्लीज़ शेयर कर दो, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है। तीसरा जो चीज़ है वो ये है कि जब आप जितने भी बातें मैं बोलता हूँ ना, उसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। जिन लोगों को ज़रूरत हो उन लोगों को ये शेयर कर देना वीडियो, ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हो 75 आवर चैलेंज बहुत मुश्किल चीज़ है, हर किसी के बस का बात नहीं है। यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंड सेट, अपना मन बनाओ, आप भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। थोड़ा हार्ड है, थोड़ा क्या, बहुत हार्ड है, मगर अगर माइंड सेट जिसका हार्ड है ना, स्ट्रॉन्ग है ना, वो इस चीज़ को कर सकता है। तीसरा चीज़ जो मैं बता रहा था वो ये कि तुलसी के पत्ता का आप हॉट वाटर के साथ ड्रिंक लो। जो लोग तुलसी के पत्ता के साथ हॉट ड्रिंक वाटर लेते हैं ना, उनका वर्कआउट बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उनका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है। अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन है तो आप वर्कआउट कर पाओगे, नहीं मेंटेन है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो मैं फल खा रहा हूँ, जैसे सेब, अभी मैं कैरेट खा रहा था, गाजर जिसको बोलते हैं, फ्रूट का डिफिशियंसी आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए, डिफिशियंसी होनी चाहिए, डिफिशियंसी नहीं, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग प्रोटीन ले लेते हैं, प्रोटीन पाउडर ले लेते हैं, क्रिएटिन ले लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स पर ध्यान देते हैं। मल्टी विटामिन बहुत ज़रूरी है, अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है तो आप इसको नहीं कर सकते हो। और आप सोच रहे हो कि मैं वीडियो में क्यों खा रहा हूँ, इसलिए खा रहा हूँ ताकि आप लोग समझो कि मैं भी वही चीज़ खाता हूँ जो आप लोग खाते हो। मुझे किसी ने कहा है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, आप चेक कर लेना शॉर्ट्स में, सैम सुलक ऑफ इंडिया, तो भाई सैम सुलक जैसे अपनी बॉडी उतनी तो अभी नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि मेरी उसकी फिजिक लगभग सेम है, क्योंकि उसका चेस्ट भी बहुत ह्यूज है। मैंने भी अपना चेस्ट को बहुत रिप्ड कर दिया और मैं रिप्ड कर रहा हूँ अभी, ये नहीं कहता कि मैं पूरी तरह से कर लिया हूँ, लेकिन मैं कर लूँगा। मेरी हाइट 5 फीट 11 इंच अप्रॉक्स है, सैम सुलक भी 5'11". जो लोग सैम सुलक को नहीं जानते वो सर्च कर लो, पता चल जाएगा कौन है वो। आप लोगों को ये बता दूँ कि ठंड में आप लोग का ना
डाइट प्लान भी सही होना जरूरी है। फ्रूट्स लो, ठीक है, रोटी खाओ, और अगर आपको फैट लॉस करना है तो रोटी चावल सबका पोटेंशियल सॉरी क्वांटिटी कम कर दो, जितना खाते हो उसका हाफ कर दो या उससे भी कम कर दो, लेकिन ख़त्म मत करना, कार्ब्स का बॉडी में होना ज़रूरी है। ठीक है, मैं खा नहीं रहा हूँ क्योंकि आप लोग ये चीज़ समझो कि मैं भी कुछ अलग चीज़ नहीं खाता, मैं भी वही खाता हूँ जो आप लोग खाते हो। ठीक है, मल्टीविटामिन्स में आप मल्टीविटामिन की गोली आती है वो भी ले सकते हो, ठीक है, वो आपके बॉडी के लिए सही है, ऐसा कुछ नहीं, वो प्रिस्क्राइब रहता है और हर मेडिकल स्टोर में आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलेगा। ठीक है, आप बस बोलो कि मल्टीविटामिन की गोली चाहिए, 50-60 रुपये में आपको 25-30 टैबलेट मिल जाते हैं, वो भी आप खा सकते हो, ले सकते हो अपने बॉडी में अगर आपको विटामिन की कमी है तो। ठंड में सबसे ज़रूरी होता है आपके हाथ को, सॉरी आपके हाथ पाम को और आपके कान को और आपके सर को ढकना, जिन लोगों का ये चीज़ ठका हुआ नहीं रहता ना उन लोग की दिक्कत होती है। मैं कितना भी शर्ट उतार दूँ, ठीक है, या एक टी शर्ट में सिंपल सी टी शर्ट में वर्कआउट करूँ, मगर मैं अपने सर को और अपने कान को ढक के रखता हूँ। मेरा जो ब्लॉग वन है जो मैंने 2-3 दिन पहले डाला था, आप देखना, उसमें मैंने 221 डन बैठक करा था, उसमें मैंने बताया था कि अपने सर को हमेशा ढक के रखो। चावल जो है ठंड में कम खाना चाहिए, इसलिए क्योंकि चावल खाने से सर्दी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप तुलसी का पत्ता लो, बॉडी पे ऑयल लगाओ, आप अगर हो सके तो लिट्टी, जानते हो सत्तू की लिट्टी, वो खाओ, वो आपके बॉडी को वार्म रखता है। ठीक है, सत्तू की लिट्टी और बैंगन आलू टमाटर का भंटा वो बना सकते हो, उसको भंटा कहते हैं, वो बना के खा सकते हो, जिससे चोखा भी खा सकते हो, या फिर आप आलू के मिर्च के चोखा खा सकते हो। प्याज खाओ, प्याज आपके बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। ठीक है, प्याज खाना ज़रूरी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप लिट्टी के साथ चिकन या रेड मीट यानी खस्सी जिसे कहते हैं वो ले सकते हो। ठीक है, ठंड में आप नींबू और संतरा अवॉइड करो। 75 हार्ट चैलेंज अगर करना है आपको, ठीक है, तो आपको संतरा और नींबू को अवॉइड करना पड़ेगा। उसके पीछे रीज़न बताता हूँ, ऐसा नहीं कि आप संतरे को मौसमी जिसको कहते हैं वो आप ले नहीं सकते, ले सकते हो, और उससे आपके सर्दी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं ठंड में। ठीक है, मैं लेता था, लेकिन अगर लेना है तो उसमें ब्लैक साल्ट यानी काला नमक मिला के लो, क्योंकि काला नमक आपको घर में कहते हैं ना कि अमरूद हो या शरबत हो या जिसे जूस कहते हैं आप ऑरेंज का, उसमें नमक डालने के, नमक इसलिए डालना ज़रूरी है काला नमक क्योंकि आपको सर्दी लगने से बचाता है। ठीक है, और हाँ, जिन लोगों को 75 हार्ट चैलेंज करना है उन लोगों को मैंने ब्लॉग वन और ब्लॉग टू में अपना ईमेल आईडी दे दिया है, उसके फीस है 2001 रुपीज़ पहला, आपको फर्स्ट एडवांस में देना है, ठीक है, 1001 रुपीज़, दूसरा इंस्टॉलमेंट 45 डेज कंप्लीट होने पर देना है, 45 डेज से पहले या 45th डे के दिन भी दे सकते हो। ठीक है, और 75 हार्ट चैलेंज में मैं आपको रूटीन वूटीन सब कुछ बना के दूंगा। ब्लॉग वन का मैं आपको लिंक इसमें दे दूंगा, या चाहो तो वीडियो सेक्शन में जाओगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया है कि जिनको अगर 75 हार्ट चैलेंज करना है, फैट लॉस मसल गेन कुछ भी, ठीक है, वो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके ईमेल पर, आप अपना पेमेंट गूगल पे से पेटीएम से कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट भेज देना ईमेल करके। ठीक है, मैं उसको चेक करूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको भेजूँगा कि हाँ आपके पेमेंट आ गए, उसके बाद आप कर सकते हो, ईमेल के द्वारा करेंगे। ठीक है, और सारे रिकॉर्ड पेटीएम वाले हर नंबर के अपने पास रखते हैं। ठीक है, मैं आपको वहाँ पे अपना बारकोड भेज दूँगा, उससे आप भेज सकते हो। ठीक है, और जिन लोगों को जानना है तो भाई ये चैनल बहुत पहले का है। ठीक है, मैं जब कॉलेज में था 17-18 साल का, तब मैं वीडियो बनाता था, उसमें मसल मेरे टोंड थे, मैं एथलेटिक बॉडी वाला था, अभी तो थोड़े ह्यूज हो गए हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ब्लॉग वन में डिटेल दिया हुआ है, आप उसे देखो, ब्लॉग टू में भी दिया हुआ है, उसका लिंक डाल दूँगा, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, और कमेंट में जय शिव शंभू लिख देना। ठीक है, आज 86th डे है, आपको वीडियो कल आज के वर्कआउट का कल मिल जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो में भी कल शाम में मिल जाएगा अगर अपलोड हो जाता है तो। जय शिव शंभू, कमेंट कर दो और अब अगले वीडियो में मिलते हैं, और सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। ऑलरेडी 75 हार्ट चैलेंज कंप्लीट कर दिया है, बाय।